सो ये अपने आप में बेमिसाल है कि कुछ दिनों का ही गैप होता है और बढ़ती ही जा रही है मालिक के प्यार मोहब्बत की चर्चा। राम नाम के पुजारी बड़ा तेजी से बढ़ते, हालांकि उनको रोकने के लिए हर तरह का जतन कर रही है दुनिया, लेकिन जिसका खसम डाडा होए ताको मार सके ना कोई। सो जिस खसम डाडे वाहिगुरु अल्लाह राम ओम हरि से हमारा प्यार है, आपका प्यार है, वो दोनों जहां का दाता ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं है। सो वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने भक्तों के वो लाज दिन दुगनी रात चौगनी रख रहा है और कई गुना बढ़ के रखता रहेगा। इंसानियत सबसे बड़ी है, इंसानियत को जिंदा रखना आज के दौर में अति जरूरी है। हर कोई खुदगर्ज बन गया है, हर कोई स्वार्थी बन गया है, सिवाय उनके जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, सिवाय उनके जिनको अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार है। वरना हर किसी को अपना ही नजर आता है, दूसरा नजर नहीं आता। दूसरा कोई होता ही नहीं, वैसे तो सारे ही अपने हैं। यहां अपना और दूसरा उसको कहा जाता है खून का रिश्ता, अपना है यानी अपना शरीर अपना है, इसको छोड़ के आप किसी की सेवा करते हैं वो परमार्थ है। शरीर की सेवा भी जरूरी, आत्मरक्षा है, लेकिन सिर्फ आत्मरक्षा में लगे रहना या अपने खून के रिश्तों के प्रति ही सिर्फ झुकाव रखना, ये मोह ममता हो जाती है। इसलिए परिवार के प्रति जो फर्ज है उसकी अदायगी करो, शरीर की आत्मरक्षा करो, उसके अलावा सारी सृष्टि की सेवा करोगे तो भगवान जी आपकी झोलियां दया में रहमत से माला माल कर देंगे। आज ये भावना लुप्त होती जा रही है। अरे पशु अपने टोले में से पशु को नहीं छोड़ते, जबकि आदमी सड़क पे एक्सीडेंट हुए आदमी को छोड़ के भाग जाते हैं, जबकि पशु के ग्रुप में अगर किसी के चोट लगी हो वो ग्रुप उसको लेके जाता है और जैसे तैसे उसकी संभाल करता है। तो आज के दौर में देखें तो पशु आदमी से आगे निकलते जा रहे हैं। तो इंसानियत को जिंदा रखिए, मानवता भलाई का कोई भी मौका चूको ना, जब भी मौका मिले मानवता भलाई का कार्य करो। मालिक अंदर बाहर माला माल करेंगे, खुशियों से लवरेज करेंगे।